ऑल राइट, हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी टर्टल्स की आंखें स्वेल हो रही है या उनके आंखों के ऊपर व्हाइट लेयर आ रही है तो उसको कैसे ट्रीट करें। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में फिश और टर्टल रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको सबसे पहले पता लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टर्टल की आंखों में स्वेलन होने या व्हाइट लेयर आने के दो मेन रीजन होते हैं। पहला, पानी का गंदा हो जाना। दूसरा, विटामिन ए डेफिशिएंसी। पानी का गंदा एज इन अगर आपके एक्वेरियम में फिल्टर नहीं लगा हुआ है और अगर आप पानी वीकली बेसिस पे आधा आधा चेंज भी नहीं करते हैं तो पानी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि टर्टल बहुत वेस्ट क्रिएट करता है और वो उसी वेस्ट क्रिएट होने की वजह से पानी बहुत गंदा हो जाता है और वह वही पानी पीता रहता है और उसी पानी में रहने की वजह से उसकी आँख स्वेल होने लगती है। दूसरा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अगर आपका टर्टल गंदे पानी में काफ़ी टाइम से रह रहा है तो उसके बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने लगती है। दूसरा, अगर आप ट्राई करो, अगर आप नया टर्टल ला रहे हो उसको यूज़ टू करो कि वो कैरेट और कैबेज खा रहा है। अगर आपका टर्टल बड़ा हो रखा है और वो कैरेट कैबेज नहीं खा रहा है तो उसकी चिंता ना करिए, मैं बताता हूँ कि उसको भी हम कैसे स्टिल विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कैसे हटा सकते हैं। सो अब मैं आपको बेसिकली तीन से स्टेप्स बताऊँगा जिससे कि आप स्वेलन आइज को ट्रीट कर सकते हो या वाइट लेयर को रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज कैरेट सोक। कैरेट का जूस लेके टर्टल को कुछ इस तरह से सोक करें। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सिर्फ तीन दिन करना है और दिन में एक बार करना है, और टर्टल को कैरेट जूस में सिर्फ आधे घंटे के लिए रखिए। ये करने से टर्टल की जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो चली जाएगी और टर्टल हेल्दी हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप कैरेट का जूस बहुत ज़्यादा ना भरते। कैरेट का जूस उसके सिर्फ शेल लेवल तक होना चाहिए ताकि वो ईजिली ब्रीथ भी करता रहे। सेकेंड मेथड इज़ आई ड्रॉप। आप कोई भी नॉर्मल सा आई ड्रॉप एक मेडिकल से ले लें, बट मेक श्योर वो एंटीबायोटिक फ्री हो। मैंने एक रेगुलर सा आई फ्रेश यूज़ किया है। अब आपको करना ये है कि टर्टल्स को आपको पानी से बाहर निकाल लेना है, उनको ड्राई करना है और फिर टर्टल्स की आंखों पे एक एक ड्रॉप्स लगाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये दिन में दो बार ही रिपीट करना है। प्लस आप इसको कम से कम 4 से 5 दिन करिए, आपकी टर्टल्स की आँखें नॉर्मल हो जाएंगी। थर्ड स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए और उस नमक को पूरी अच्छी तरह से घोल लीजिए। उसके बाद कॉटन को उसमें टिप करने के बाद टर्टल की आइज पे इफेक्टेड एरिया पे थोड़ा थोड़ा उसको रब करिए बहुत जेंटली, और ये चीज़ आप हफ्ते भर रिपीट करिए। तो मैंने जितने जो तीनों चीज़ें आपको जो बताई हैं वो प्लीज़ आप वीकली करिए और एक हफ्ते में आपकी टर्टल्स की आँखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। तरीके हैं जिससे आप अपने टर्टल के आईज को ट्रीट कर सकते हैं और वो हफ्ते भर में पूरा ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।